Hello students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in safe classes, that is simple and fun education. So students, in the last class you studied about asexual reproduction. Today's class is all about sexual reproduction in plants. Before starting this topic, we should recall the term, that is sexual reproduction. Sexual reproduction means the process of reproduction in which two parents are involved. Yani ki woh process jiske andar do parents kya honge, involved honge, and there is formation of gametes. Inke andar kya hoga, gametes form honge. अब जो आज की क्लास है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है। इन दैट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्या था? फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या आएगी कि जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें। तो चलिए पहले हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर कैसा होता है और ये कैसे दिखाई देगा। सबसे पहला पार्ट जो है, अगर हम बेस से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है? रिसेप्टेकल। दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज थैलेमस। ये वो पार्ट है जिसके साथ क्या होंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं वो अटैच होंगे। सेकेंड पार्ट इज सेपल्स। सेपल्स क्या है? दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द फ्लावर। इनका जो मेन काम रहता है क्या होगा, जब जो फ्लावर है वो बड की स्टेज में होता है, इन दैट स्टेज क्या होता करते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होंगे फ्लावर के उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर जो सेपल्स हैं, अगर हम सारे के सारे सेपल्स को मिला दें तो उसको एक ये कॉमन टर्म यूज करते हैं हम, एंड दैट टर्म इज नोन एज कैलेक्स। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। यानी कि सारे के सारे सेपल्स को एक कलेक्टिव टर्म दी गई है, दिस टर्म इज कैलेक्स। नेक्स्ट पार्ट दैट इज Inside this sepals or calyx is the petals. क्या आएंगे इसके बाद? Petals आएंगे जो कि sepals की just inside है। Sepals are the colored part of the flower, जो कि हमें क्या होते हैं, visible होते हैं। जब भी आप flower देखते हो, white है, red है, orange है, pink है, whatever color it bears, ये जो colors होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इसकी petals की वजह से होते हैं। और ये जो colored part होता है, this is the petal। जो petals होंगे उनके लिए collective term दी जाती है, यानी कि सभी के सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? Corolla बनाते हैं। पेटल्स का काम क्या होगा? एज बिकॉज दे आर कलरफुल, सो दे आर इजिली विजिबल बाय द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो होंगे वो उसको देखेंगे, और जो बर्ड्स होंगे जो कि पोलिनेशन करेंगे वो क्या होते हैं, इजिली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से, इस पेटल और कोरोला की वजह से। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट आता है वो क्या होता है? स्टैमन का। क्या है वो? स्टैमन है। ये जो स्टैमन वाला पार्ट है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्योंकि हमने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके अंदर है? प्लांट के अंदर। और ये जो मेन पार्ट होगा जो कि रिप्रोडक्शन में है वो फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर जो मेल वाला पार्ट है वो कौन सा है? स्टैमेन रहेगा। स्टैमेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होगा एंथर, दैट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप, एंड देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। तो क्या पार्ट्स हुए? स्टैमेन, स्टैमेन के दो पार्ट्स, टॉप पे एंथर, बॉटम में क्या है? फिलामेंट। एंथर इज दैट पार्ट इन विच The pollen grains are present. Pollen grains इसके अंदर present रहेंगी। Pollen grains के अंदर क्या होगा? जो male gamete होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि sexual reproduction में gametes form होंगे, तो जो male gamete होगा वो कहाँ present होगा? Pollen grain के inside present रहेगा। फिर सबसे अंदर जब हम study करते हैं, सबसे अंदर जो अगर हमारा जो flower हो bisexual है, तो उस केस में क्या होगा? जो innermost part होगा उसके अंदर क्या होगा? जो female part होगा, that is known as pistil, or you can say carpel. These are the two terms which we use for this pistil or carpel. जो pistil है, इसके भी three parts होते हैं। Topmost जो part होगा, that is cushion-like, that will receive the pollen grains. वो जो part होगा, उसको हम बोलेंगे stigma. फिर जो stalk-like part है, वो क्या होगा? Style. And at the bottom there is a swollen part. This swollen part is known as ovary. Ovary वाला जो part है, इसके अंदर present रहेंगे ovules. Ovule के inside में क्या होगा? जो female gamete होगा, that is the egg cell. It is present inside this. तो ये क्या था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पढ़ा कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेट्स रिकॉल देम वन बाय वन। फर्स्ट वाज द थैलेमस, दैट वाज द आल्सो नोन एज रिसेप्टिकल्स, बेसिक प्रेजेंट है। फिर कैलेक्स होगा, कैलेक्स से हर एक मेंबर को सेपल बोलेंगे। फिर कोरोला आएगा, कोरोला के हर एक मेंबर को पेटल बोलेंगे। फिर स्टैमेन, स्टैमेन के टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। फिर पिस्टल और कार्पल, इसके थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टैमेन, ओवरी। अब मैंने एक टर्म यूज की बाइसेक्सुअल, तो ये टर्म भी आपको लर्न करनी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। अब देखो, यूनि और बाई, यूनि का मतलब क्या है? सिंगल। बाई का मतलब क्या हो गया? टू। तो दोज फ्लावर्स विच
बियर, ईदर स्टैमन और पिस्टल, वो फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक पार्ट होगा, या तो स्टैमन होगा या पिस्टल होगा, इन दोनों में से कोई एक हुए तो वो क्या होगा, यूनिसेक्शुअल होगा, और अगर बाइसेक्शुअल है, बाय मतलब दो, तो वो फ्लावर जिसके अंदर क्या होंगे, दोनों पार्ट्स, दैट मींस स्टैमन प्लस पिस्टल दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, वो क्या होगा, बाइसेक्शुअल फ्लावर होगा. फॉर एग्जाम्पल, बाइसेक्शुअल में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है. और जो अगर हम यूनिसेक्शुअल की बात करेंगे तो उसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पपाया का. अब क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया कि जो फ्लावर होता है वो कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होगी, तो उसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है हमारा, पॉलिनेशन. जो इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस अगर करेगी वो क्या है, पॉलिनेशन. नाउ लेट्स स्टडी दिस टर्म, व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन, अभी देखो हमने एक चीज बोली है कि जो एंथर था यहाँ पे, जो मेल पार्ट था स्टैमन का उसका एंथर, और जो ये क्या था, फीमेल पार्ट था स्टिग्मा स्टाइलेट ओवरी थे, तो इसके अंदर जो पोलन वेल्स बनेंगे ये क्या होंगे, यहाँ तक रीच करेंगे, ऑब्वियसली ये अलग पार्ट फॉर्म हुआ है, ये अलग होगा, तो ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज पोलन वेल्स फ्रॉम स्टैमन और एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन. पोलिनेशन देखो पोलन से बना है, क्या बना है, ये पोलन, और ये क्या थे, पोलन ग्रेन थे, है ना. तो अब इसमें क्या हो गया, जो पोलन ग्रेन हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, एंथर से, कहां हो रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर. तो यही क्या इसकी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अब लर्न करने में. पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, किसके पार्ट है ये, फ्लावर के, तो ऑफ फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन. अब जो पोलिनेशन होगी वो क्या होगी, टू टाइप्स की होती है. अभी हमने कहा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरीके के होंगे, यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा. तो उसी के बेसिस पे जो पोलिनेशन होती है, इट इज आल्सो टू टाइप्स, या तो वो क्या होगी, सेल्फ होगी, या तो वो क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन, और जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन. नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट वी विल स्टडी सेल्फ पोलिनेशन. एज द नेम इंडिकेट, सेल्फ मतलब खुद से, तो ये जो पोलिनेशन होती है इसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, यानी कि खुद में ही पोलिनेशन होगा. द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स. एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जो फ्लावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा. इन दैट केस क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन. स्टूडेंट्स यू ऑल्सो रिमेंबर दैट द फ्लावर कैन बी डिफरेंट बट द प्लांट शुड बी सेम, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर अगर दो पोजीशंस पे फ्लावर प्रेजेंट है और उसी प्लांट का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में भी क्या रहेगा, सेल्फ पोलिनेशन रहेगा. सेकेंड टर्म इज क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होगा कि क्रॉस कर रहा है वो, यानी कि वो एक फ्लावर को छोड़ के दूसरे फ्लावर के लिए, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा. तो इन दैट केस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट और वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन. अब ये क्या थी, दो टर्म थी, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. अब इसके बाद देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, हमने पढ़ी कि फ्लावर क्या होगा, उसके अंदर मेल पार्ट कौन सा था, फीमेल पार्ट कौन सा था, मेल पार्ट के अंदर कौन सा गैमेट प्रेजेंट रहेगा, यानी कि पोलन ग्रेन का देखा, और फिर ओव्यूल क्या है, स्टिग्मा के अंदर है. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो गैमेट्स थे वो ट्रांसफर हो गए. अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी पोलिनेशन के बाद क्या होगा, तो पोलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस अकर करेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ये प्रोसेस क्या होगी, फर्टिलाइजेशन. तो चलिए उसको स्टार्ट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले एक टर्म आ जाती है, क्योंकि देखो हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, और अभी हमने क्या कहा कि जो पोलन ग्रेन था वो क्या है, रीच कर गया है किसको, स्टिग्मा को. तो उससे पहले आ जाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी. सो लेट सपोज दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, देन दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी. When the pollen grain reaches to the stigma of the flower, जब ये stigma के ऊपर reach कर जाएंगे pollen grains, तो क्या होगा, यहां से क्या होगी, एक ट्यूब निकलेगी. क्या होगा, एक ट्यूब निकलेगी. This
ट्यूब। अब देखो निकले किससे है, पोलन ग्रेन से, तो क्या होगा पोलन नेम दे देंगे हम इसका, और है क्या ये ट्यूब, तो ये क्या होगा पोलन ट्यूब, तो यहाँ से क्या होगा पोलन ट्यूब निकलेगा। दिस पोलन ट्यूब विल कंटेन मेल गैमेट, क्या होंगे इसके अंदर मेल गैमेट्स होंगे। कई बार एग्जामिनेशन में ये वाला डायग्राम आता है और उसके अंदर आपको लेबलिंग दी जाती है कि लेबल द पार्ट्स, लेफ्ट सपोज हम यहाँ पे अभी लेबलिंग करेंगे ना, उसके बाद आएगा कि इनको इरेज करके और यहाँ पे ए बी सी डी ई करके इस तरीके से पार्ट्स गिवन होते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है कि लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स गिवन इन द डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर जो पार्ट्स गिवन है उनको क्या करो लेबल करो। तो इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। देखो ये क्या था, पोलन ग्रेन था। व्हेन दिस पोलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर It will germinate and produce the pollen tube. ये क्या करेगा? Pollen tube को produce करेगा। अब इसके अंदर क्या थे? Male gametes present थे। और यहाँ पे क्या है? This is the ovule. ये क्या है? Ovule है। और ovule के अंदर क्या होगा? जो egg cell. This is the egg cell. जो कि क्या है? Female gamete है। वो क्या है? यहाँ पे present है। तो अब ये क्या करेगा? यहाँ तक reach करेगा। क्योंकि term क्या है? Fertilization. तो अब क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या करेगा? Move करेगा and it will enter into This. यहां आने के बाद क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे और जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा फ्यूज हो जाएगा विद दिस एक्सेल, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। हियर इज वन मोर टर्म नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। So you have to remember this term also. अब देखो डबल का मतलब दो, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि दो बार फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। जब यहाँ से गैमेट्स आ रहे थे तो कितने थे इसके अंदर, दो गैमेट्स थे। कितने गैमेट्स थे मेल, टू मेल गैमेट्स थे। यहाँ पे कितने थे, टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद दिस एक्सेल, एक जो था वो क्या हो गया इस एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया। जो सेकेंड वाला होता है यहाँ सेंटर में ये सेल दिखाई दे रही ना, इन सेल्स को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब जो ये सेकंड मेल गैमेट है इट विल कंबाइन विद दिस, जो सेकंड था मेल गैमेट वो क्या होगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसलिए क्या कहेंगे इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यानी कि वन मेल गैमेट फ्यूजन विद द एक्सेल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, सेकेंड मेल गैमेट विल कंबाइन विद दिस पोलर न्यूक्लियाई, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होगा और बाद में फ्यूचर में क्या फॉर्म कर देगा, एंडोस्पर्म। ये जो टर्म्स हैं ये आपके हायर क्लासेस के अंदर रहेंगे, बट फिलहाल आपको यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन टर्म है उसको लर्न करना है, ठीक है, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा तो उसको स्टडी करती है। वंस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट इज Calyx, Corolla and the anther, वो क्या होंगे सारे के सारे follow हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सारे के सारे part follow हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका क्या है वहां पे काम नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जो ovule था, changes ये आपको याद रखने हैं, बहुत बार exam में पूछे जाते हैं कि कौन सा part flower का किस में change हुआ, तो वो देखते हैं कि fertilization के बाद क्या हुआ। तो जो ovary थी flower की वो किसके अंदर convert हो गई, fruit के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो गई वो फ्रूट के अंदर। जो ओव्यूल था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, जो ओव्यूल्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो गए सीड के अंदर, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई थी फ्रूट के अंदर। तो ये क्या है आपको याद रखनी है कि जो फ्लावर होगा उसमें कौन सा पार्ट क्या होगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रूट्स हैं वो किससे बनते हैं, जो ओव्यूल होते हैं किसमें कन्वर्ट होती है, और ओव्यूल जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो। अब जो सीड्स होते हैं, जो सीड होंगे वो क्या होंगे, दो तरीके के होंगे एज यू नो, एक तो क्या होगा मोनोकोट सीड होगा और सेकेंड क्या होगा डाइकोट सीड। अगर वो क्या है मोनोकोटिलेडनस प्लांट था तो उसी के लिए मोनोकोट सीड होगा, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन प्रेजेंट रहेगा। अगर वो डाइकोटिलेडनस प्लांट था तो उसके केस में डाइकोट सीड फॉर्म होगा, दैट इज उसके अंदर क्या होंगे दो कोटिलेडन्स फॉर्म होंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा एंड में जो ओवरी होगी वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस थी ये क्या थी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होते हैं किस तरीके से होती है। हमने कौन कौन से टर्म्स पढ़े, फर्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जो मेल गैमेट होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, फीमेल गैमेट कहाँ फॉर्म होगा,
फिर सेकंड हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन किस तरीके से टेक प्लेस करेगा, पोलन को कैसे जर्मिनेट करेगी और रीच करेगी, फिर उसके बाद हमने टर्म पढ़ी डबल फर्टिलाइजेशन की, एंड देन क्या होगा एंड में फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स एंड द फ्रूट, ये क्या होंगे फॉर्म हो जाएंगे। एट द एंड क्या होता है जब ये जो फ्रूट्स होते हैं वो राइपन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा जो फूड होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विंड वाटर एयर एनिमल्स ह्यूमन बींग्स। हम क्या सब क्या करते हैं हम फ्रूट्स को डिस्पर्स कर देते हैं फ्रूट, और क्योंकि हम उसका फ्रूट ईट करेंगे तो अल्टीमेटली हम किस में हेल्प कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, तो जो सीड्स होंगे उस प्लांट के वो क्या होंगे डिस्पर्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट दिस सीड विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ होगी सीड की वो अकर करेगी और एक उसमें से नया प्लांट क्या होगा निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलता है जो सीड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा जो जायगोट फॉर्म हुआ था ना इसके अंदर वो जायगोट क्या होगा एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर, और ये जो एम्ब्रियो होता है इसके पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। लेट सपोज कि जो ये सीड है ये क्या है एक डायकोट का सीड है, अब इसके अंदर जो ये सेंटर में पार्ट प्रेजेंट है ये क्या है एम्ब्रियो, वो क्या है इसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स आपको मेनली याद रखने हैं, वन इज द प्रिम्यूल एंड सेकेंड इज द रेडिकल, और जो साइड में ये दो पार्ट्स हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है इसके कोटिलेडंस है। अब जो प्रिम्यूल वाला पार्ट होगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शूट ऑफ फ्यूचर प्लांट, जो प्रिम्यूल वाला रीजन है ये क्या करेगा फ्यूचर प्लांट के स्टेम को फॉर्म करेगा, और जो रेडिकल वाला पार्ट रहेगा वो किसको फॉर्म करेगा जो फ्यूचर प्लांट उसमें से ग्रो करने वाला है उसकी रूट को क्या करेगा ये फॉर्म करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर द सीड है इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेबल द पार्ट्स गिवन बिलो इन दिस डायग्राम ए बी सी करके आ जाएगा और फिर आपको उनका क्या करने पड़ेंगे लेबलिंग करनी पड़ेगी, तो इस डायग्राम को भी लर्न करना। इसके साथ साथ ये वाले चेंजेस फ्लावर का डायग्राम और सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजेशन जो हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करती है वो। तो आज की जो क्लास थी दैट इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। आज की क्लास आपको कैसे लगी इसको बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये पसंद आई हो तो, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।